ଟମାଲ କଲା ନୌସେନା ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲା ଉଦ୍ଧାର। ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ସାଗର ଭାରତ ଜାହାଜ ବାର୍ଜ P305 ଫସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 273 ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ 184 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ବି 77 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନରେ INS କୋଚି, INS କୋଲକାତା ସମେତ ଅନେକ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 175 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୀରା ଫିଲ୍ଡସ୍ଠାରେ ବାର୍ଜ P305 ଫସି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଫସି ଯାଇଥିଲା। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई। बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम रेस्क्यू टाइम पे अभी चढ़ने जैसे चढ़ रहे थे उठा रहे थे फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा इधर। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। ये ऑपरेशन जो थी हमने जब स्टार्ट करा था, स्टार्ट की थी 17 के शाम को और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुद्र से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्मिनोलॉजी डार्क नाइट, तब आपको कुछ दिखा नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है, इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं, ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं।